वो थोड़ी सी खौफनाक जगह से लग रही है। गुड मॉर्निंग घुमक्कड़ दुनिया, तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया, सब सेफ होंगे। तीसरा दिन है आज हमारा, तो हम लोग टाबू पहुंच चुके हैं। जैसे बताया था रात में, टाबू स्पीति में आता है, बट स्पीति के जो मेन वैली है जहां हमें जाना है काजा, वो है अभी 50 किलोमीटर यहां से दूर है। तो आज हम लोग काजा जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो इस ब्लॉग में भी बहुत कुछ दिखने वाला है। ये है हमारा मॉर्निंग व्यू होटल से, पीछे पता नहीं पहाड़ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बट बहुत ही अच्छा व्यू है। और सब अभी डांस मस्ती सब चल रही है बहुत पेल के, तो चलते हैं यार अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं राइड पे अपने। और कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह हाल हो गया पूरा, सुबह सुबह सब पागल हो गए, सारे पागल हो गए। ये एक ब्रश कर रहा है यहाँ पे, चुम्मा चुम्मा चुम्मा। तो यहाँ कुछ बंदे अभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। क्या क्या ऑर्डर करा है आप लोगों ने? चीज ऑमलेट, मसाला ऑमलेट। तेरा तो बनाना शेक आ रहा है। और हमारा सामान हो चुका है यहाँ पर सेट, अब ये सामान सेट करेंगे अपनी बाइकों पर, बाइक साफ़ कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाई दोबारा से अभी पैकिंग हो गई है, सब लगे हुए हैं पैकिंग करने में। और ये है दिन का नज़ारा कुछ होटल का, उस सामने पहाड़ जो कि अभी बर्फ़ नहीं है। और तो अब हो गई चलने की तैयारी, अरे कुछ बंदे अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हम चल दिए हैं आगे की ओर, और शाम को काजा में रुकेंगे। चलो 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 चलो। टाबू के एक मॉनेस्टी है, साकिब और अजमल को पता है, ये लोग पहले स्पीति कर चुके हैं। ये बहुत ही प्यारा सा गेट है, और इस सामने होटल में अभी जट प्रभजोत रुक के गया था, तो उनकी टीम यहाँ पे रुकी थी। ये है मॉनेस्टी यहाँ की टाबू की, तो ये छोटा सा एरिया है यहाँ पर, ऐसे बहुत ही खूबसूरत सामने स्नो के पहाड़ है। लोग चल पड़े हैं अब व्यू के लिए, व्यू है पता नहीं क्या नाम है, तो जो आगे से शाकिब जा रहा है उसको पता है। और ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नज़ारा है। रात में हम लोग आए थे तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था, बस रोडी रोड चलते जा रहे थे, कुछ नहीं दिख रहा था। तो नीचे बहरी है स्पीति नदी, तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ एक छोटी सी मम्मी रखी है जो करीब 500-600 साल पुरानी मम्मी है, और आज तक ऐसी की ऐसी है। तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा अभी जब पहुंचते हैं वहाँ पे। क्या व्यू है, मतलब सीधी सीधी रोड जा रही है पहाड़ों के, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगी। और ये नज़ारा देखो, छाँव पहाड़ों पे, छाँव है, धूप है, पूरे पहाड़ छाँव से ढके हुए। और ये पहाड़ जो है ना, ये मतलब ठोस नहीं है, अगर आप इनमें पैर रखोगे ना तो पैर घुस जाएगा आपके अंदर, इतने मतलब रू टाइप पूरे पहाड़ हैं ये। तो ये जो पहाड़ देख रहे हो ना आप, ये पहाड़ कभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है, बीच में छोटे छोटे से पत्थर हैं यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे पहाड़ है कि कभी भी मतलब लैंडस्लाइड हो सकती है क्योंकि। तो ये पहाड़ मनाली शिमला इन सब से बिल्कुल ही डिफरेंट है ये पहाड़। ये देखो रोड साइड बिल्कुल आ रखे हैं सारे पत्थर, तो ये जिस टाइम स्लाइड हो जाती है, ये देखो बीच में ऐसे पड़े हुए हैं ये। तो यहाँ पे बहुत ही संभल के ड्राइव करना होता है, अगर यहाँ आपने ड्राइव में थोड़ा सा भी चूक करी तो कुछ भी हो सकता है। इन वादियों में आके बस हर जगह आपको अलग अलग व्यू दिखाई देगा हर जगह। यहाँ के पहाड़ देखो ऐसा लग रहा है किसी ने खुरच रखे हैं, बट इनकी बनावट ही ऐसी है। और ये इतना पतला रोड है, बहुत ज़्यादा ही पतला रोड है। अभी आगे ट्रक आ रहा है ये देखो, तो इसको हमें साइड देने के लिए अलग लगानी पड़ेगी गाड़ी अपनी। ये निकल जाएगा आप चलेंगे, ये देखो कैसे रोड पे पत्थर पड़े हुए हैं, ये देखो कितने मोटे मोटे पत्थर रास्ते में पड़े हैं, यही ये ऊपर से टपकते हैं सारे, गिर गिर जाते हैं पत्थर। तो आप देख सकते हो ये कितना छोटे छोटा ही रोड है, मतलब बिल्कुल जो अभी टाबू वाला रोड उससे भी छोटा रोड है ये। और पीछे लैंडस्लाइड हो रखी थी तो जेसीबी लगी हुई थी, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो सामने दिख रहा है मेरे गीहू विलेज, जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ वो मम्मी है। तो ये मम्मी को देखने के चक्कर में रोड देख रहे हो आप कितना, और ये गांव पूरा खाली पड़ा है। अभी हम लोगों ने चेक किया, हर घर में ताले लगे हुए हैं, हर घर में ताले। अब पता नहीं क्यों, ये एक आंटी जो दिखाई दे रही है आते हुए, इवन ये गेस्ट हाउस में भी ताला लगा हुआ है सामने, तो थोड़ी सी खौफनाक जगह से लग रही है। तो हम रास्ता भूल चुके हैं अभी, और हमें जाना है वहाँ मॉनेस्टी। बेटे
बेटा वो मम्मी के वहां पे जाने के लिए कैसे जाएंगे? रोड बनी हुई है ना? बनी है तो भाई हम लोग आ चुके हैं गेहूं विलेज, और ये है जहां मम्मी रखी हुई है, ये है मोनेस्टी। ये बहुत ही खूबसूरत बना रखी है मोनेस्टी जो है। और सामने पहाड़ का नज़ारा देखो, हवा चल रही है बहुत तेज़, नीला बिल्कुल आसमान बिल्कुल नीला है, और नीचे छोटी सी रिवर बह रही है। तो यहाँ अंदर है मम्मी जो कि है। हेलो सर, कैसे हो? रिमूव योर शूज। तो पहले यहाँ पर जूते उतारने। तो ये हम अंदर आ चुके हैं, ये है मम्मी। इनके अभी जो दांत हैं वो स्टिल अभी वैसे के वैसे हैं। बहुत पुरानी है। कितने साल हो गए लगभग? इधर इधर हो रहा है, लिखा हुआ पोस्टर है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर गेहूं में। तो मम्मी आपने देखी, जो मम्मी है वो करीब गेहूं है, तो वो अभी 500 साल पुरानी मम्मी है, और अभी 10 साल में उसका साइज भी बड़ा है कहने को, मतलब यही सुनने में आ रहा है। और हम अभी चार आए हुए हैं, पीछे अपना झंडा लहरा रहा है, और ये हंसी आ दिया भाई साहब, क्या मज़ा आ रहा है। सामने देखो, पीछे मेरे बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो ये सारे ये जितने भी हैं ये बर्फ़ के पहाड़ देख रहे हो। तो अभी थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, तो अब थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, देखते हैं ड्रोन अभी टेस्ट करते हैं यहाँ पे ड्रोन उड़ पाता है कि नहीं। तो ये मेरे पीछे जो पहाड़ी देख रहे हो आप, इस पहाड़ी के पीछे है चाइना बॉर्डर। तो हम लोग अभी बिल्कुल मतलब खड़े हैं चाइना बॉर्डर के साथ सटे हुए, और ये पहाड़ी का मतलब रास्ता तो गया हुआ है, वो आर्मी वालों के लिए है, हम लोग के लिए अलाउड नहीं है। तो भाई चाइना बॉर्डर तक पहुँच गए हम, तो यार एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाले कर्म से हम यहाँ पे बहुत सही सलामत अभी पहुँचे। से निकल के अब हम लोग दोबारा टाबो की तरफ जा रहे हैं, टाबो से फिर अब निकलेंगे आपका काजा। तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी लग चुकी है रिजर्व, तो पेट्रोल डलवाना है सबसे पहले, और अभी काजा तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और क्या नज़ारा है भाई साहब, बिल्कुल सीधी रोड और सामने बर्फ़ के पहाड़, ऐसे ही पहाड़ों के रोड बन जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाए। क्या रोड है, क्या नज़ारा है भाई साहब, स्पीति नदी का बहुत फ्लो में पानी है इस समय स्पीति का। और ये रोड देख रहे हो कितना बढ़िया, काजा 39। तो भाई ये काजा जाने के लिए इतना खतरनाक रोड आ गया है भाई, सारी ऑफ रोडिंग, और आगे पत्थर गिर रहे हैं हमारे। अभी दो पत्थर मेरे आगे से निकले, और पीछे सोनू आ रहा है, उसको भी एक दो पत्थर उन्हें चेस करा। और इनको सल्यूट है यार, ये रोड पे ना साफ करते रहते हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है ये लोग पूरा रोड साफ कर देते हैं, सल्यूट है भाई। व्यू है यार, व्यू देख रहे हो, पानी में उतर के लोग फोटो जा रहे हैं, मुझे लग रहा है तमाशा भी उतर गया है। ये देखो क्या व्यू आ रहा है, अभी हम लोग जाएंगे नीचे और दिखाते हैं क्या नज़ारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई क्या व्यू है, मतलब ये रास्ते में पड़ा है अभी काजा की तरफ जाते हुए। और भाई अभी तक हम लोग पानी को टच नहीं कर पाए थे, बट फाइनली स्पीति के हम लोग पास आ चुके हैं, और ये व्यू देखो आप लोग माशाल्लाह, मतलब खुदा की कुदरत के आगे खुदा ने जो कुदरत तैयार करी है भाई साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। काजा रह गया 12 किलोमीटर, और ये जिग-जैग नदी आ रही है बिल्कुल सामने से स्पीति वाली। ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा स्पीति की नदी का, ये दिख रहा है यहाँ से शांत है, बट जब नीचे जाओगे ना तो पानी का साउंड सुनाई देगा। और ये वादियाँ आज से पहले कभी नहीं देखी थी, जो आज देखने को मिल रही हैं। और अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, नीचे खेती हो रखी है सारी नीचे,
पानी भी इनको यहीं से मिल जाता होगा खेती के लिए। तो ये देखो साइड में पहाड़ भाई साहब, कैसे मतलब दरारें पड़ी हुई हैं साइड लंबी लंबी, ऐसे लग रहा है किसी ने भैंस क्या कुल्हाड़ी चला के काट दिया आरी लगा के, और रोड बिल्कुल सीधा अपना काजा के लिए। भाई सामने देखो, सामने कितना बढ़िया लग रहा है, घर बने हैं, नीचे नदी है, ऊपर पहाड़, और हमें जाना है काजा। वो सामने काजा दिख रहा है, पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, पूरा प्लेन एरिया। तो हमने अगर रुक के थोड़ा एक आध फोटो ले लेते हैं, यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं। भाई सामने दिख रहा है काजा, तो आज की हमारी मंजिल बहुत ही जल्दी आ गई, क्योंकि हमारे किलोमीटर्स बहुत कम थे और हम लोग चले गए थे गुहू मम्मी को देखने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लेंगे, पहले सबसे पहले कराएंगे अपनी बाइक को रिफिल, उसके बाद फिर हम ढूंढेंगे रूम, रूम ढूंढने के बाद फिर हम निकलेंगे घूमने फिरने। और ये बहुत ही मतलब बड़ा ही एरिया है, ये ताबू से तो ज़्यादा ही अच्छा, मतलब काफ़ी रिहायशी दिख रहा है। भाई पहुँच चुके हैं काजा, और सबसे पहले ढूंढना है हमें पेट्रोल पम्प, क्योंकि इसके बाद हमें मनाली तक भी पेट्रोल पम्प नहीं मिलने वाला। तो यहाँ से पहले पूरा टैंक फुल करा लेते हैं। तो भाई पेट्रोल पम्प फाइनली आ चुका है, और यहाँ लगी हुई है लाइन बहुत लंबी, जैसे सीएनजी में लगती है। भैया यहाँ पे डल रहा है पेट्रोल, कट ले लिया जी। 4:30 बजे हम लोग काजा आ चुके थे और रूम्स भी ले लिए हैं, और सामने का व्यू है बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारी बालकनी है और सामने है बिल्कुल पहाड़ी, यह दिख नहीं रही है, अभी धूप है, अभी बहुत जोर की भूख लगी है, अब जा रहे हैं खाना खाने। तो ये है व्यू हमारी बालकनी से काजा का, बहुत ही ऑसम व्यू है। सामने रेस्टोरेंट है, हमें वहीं पे खाना खाने जाना है, और ये कुछ छोटी सी मार्केट है। तो एरिया बहुत बढ़िया है ये, और स्काई देखो बिल्कुल नीला आसमान। यहाँ पे मास्क की बहुत सकती है, तो सोफे पे लेटा हुआ हूँ मैं आराम से, क्योंकि आ रही है थोड़ी सी थकान। ये तो देख लो बढ़िया सोफ़ा बिछा हुआ है, और सामने ही हमारा होटल है। पूरा अच्छे तरीके से उन्होंने निपटा दिया है, प्लेटों में रोटी की बहुत कमी हो रही है यहाँ पे। और एक सामने बैठा है ना, ये अर्थ आवर सुपर हीरो, ये ऐसी रोटी खा रहा है ना, ये मतलब 50 आ रही है, 10 ये खा रहा है, और बाकी के जो 40 हो रही है ये बेचारे खा रहे हैं बैठे हुए। लो ये अपने लिए बता रहा कि मैं पहले चार चार पांच के सबसे पहले खा के उठ गया मैं, जा कर रहे हो आप? हाँ चचा, ओ चचा। तो भाई टाइम हो चुका है 9:30, और हम लोग लेट हो गए, और यहाँ पे हम लोग को अब डिनर नहीं मिल रहा है, हर कोई मना कर दे रहा है, सबने हाथ खड़े कर लिए हैं डिनर के लिए। यार डिनर विनर मिल जाए, डिनर विनर मिल के फिर आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। और सब लगे हुए हैं चारों तरफ, लड़कों को दौड़ा दिया है। वहीं एक ढाबा मिल चुका है भाई, जहाँ पे हम लोगों को चाउमीन और ऑमलेट ऑमलेट मिल जाएगा, तो यहाँ खाते हैं और फिर चलते हैं। ढाबा कुछ इस तरीके से है, एंटर करो, तो यहाँ जगह ना कम पड़ जाए, कोई बात नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए। सो गाइस अभी हम लोग डिनर करके आ चुके हैं अपने रूम में, और मैं तो एक नींद की झपकी भी मार ली, तो अभी अब जा रहे हैं दोबारा से सोने, क्योंकि कल सुबह 6 बजे उठना है और फिर निकलना है। चंद्रताल लेक है और हिक्की में, और जो सबसे लास्ट विलेज है और पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे जाके हमें एक्सप्लोर करना है। तो आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक एपिसोड में। होपफुली आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे व्यूज़ को। तो थैंक यू सो मच, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।